तो यहाँ अभी के लिए कैंपस आ चुके हैं, लाइक दीदी को थोड़ा हॉस्टल में रख देंगे एंड मैं भी हॉस्टल चला जाऊँगा, फ्रेशर्स होऊंगा, उसके बाद गेस्ट हाउस देखेंगे। सो आज के दिन तो थोड़ा सा घूमेंगे, दीदी को थोड़ा घुमाएंगे इधर उधर, तो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड आप लोग। सो अभी मैं हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ, फ्रेशर्स होके नहा धो के एकदम रेडी, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है एंड आज हॉस्टल में वो हो रहा है जो हर हॉस्टलर को इंतजार होता है। सो दैट्स इट। ये देखिए, ये डेकोरेशन दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक डे के लिए हर हॉस्टलर को इसी डे का इंतजार होता है। इसमें आप लोग को क्या किया जाता है कि गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स सबको खिलाया जाता है। 26 तारीख तक गेम्स ही होता रहता है एंड 26 तारीख को रात को बड़ा पार्टी होता है, मज़े आते हैं हॉस्टलर्स को। वही यस अभी के लिए। सो अभी मैंने दीदी को बुलाया यहाँ हॉस्टल के बाहर, तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद एक गेस्ट हाउस या होटल देखने जाएंगे। तो मेरा यहाँ अभी ऑल टाइम फेवरेट मुरी घुगनी ऑमलेट, और यहाँ दो जन चाय पी रही है। तो अभी का अपडेट ये चल रहा है कि लाइक हम लोग दो गेस्ट हाउस में गए थे, एक तो अच्छा नहीं लगा शेयर बाथरूम था, दूसरा में रूम नहीं था एंड तीसरा मिल गया, ठीक ठाक ही है, सो रिजनेबल प्राइस में मिल गया। सो दीदी वहाँ रहेगी, मैं हॉस्टल में रहूँगा, तो सामान लेने के लिए हॉस्टल आए हैं एंड बहन के पास रखे हैं, वो लेके गेस्ट हाउस जाएंगे एंड शी विल गेट फ्रेश, तो उसके बाद हम लोग एस्प्लानेड जाएंगे। सो आप लोग को भी ले चलेंगे, सो देख बने रही है वीडियो में। हम लोग यहाँ ग्राउंड के पास आ चुके थे, तो कैसे लाइक ज़्यादातर विद्यापीठ बच्चे लोग के कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा है और वहाँ दूर तक दिख रहा है, तो आप लोग को वहाँ देखिए होटल प्रैक्टिस हो रहा है, तो थोड़ा वहाँ जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो बहुत बढ़ गया लगता है टीम प्लेयर्स, हम देखे घर चले गए, अभी तो टीम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आने लगे। तो यह मैच होने वाला है एंड लेके ऑफिस टीम का हॉडल एंड डिफेंस टीम सब जन। तो डिफेंस टीम का क्या प्लान है? तो यहाँ हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ एंड लाइक दीदी को गेस्ट हाउस में चेकिंग करा दिया है, हॉस्टल में आया हूँ, थोड़ा सा पैकिंग करेंगे जो मेरा बाकी था एंड उसके बाद तो के मुझे कॉल करेगी दीदी एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग एस्प्लानेड, वेर एवर कहाँ घुमाएंगे लेक से, आप लोग को भी थोड़ा घुमा देंगे, सो बने रहिए। सो यहाँ मैं रेडी हो चुका हूँ, सो ये इट इज एंड लाइक दी ने कॉल की है, सो आई विल बी गोइंग देयर एंड उधर से हम लोग सीधा पहले मेट्रो जाएंगे, मेट्रो से फिर से एस्प्लानेड एंड वहाँ पे घूमेंगे। तो यहाँ अभी जाने से पहले थोड़ा पेट पूजा डोसा के साथ, कल अच्छा होता है के सामने। One hour later. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एस्प्लानेड एंड अभी यहाँ घुमा रहे हैं दीदी को, सो आप लोग के ये व्यूज देखे, इतना भीड़ रहता है ना ये जगह में भाई। तो आपको कोलकाता में यही देखने को मिलेगा कि लाइक जो बिल्डिंग्स वगैरह दिखे बहुत पुराना पुराना, सो ये लोग ने डिमोलिश नहीं किया, इसी को प्रिजर्व करके इसी के ऊपर कुछ होटल्स वगैरह या फिर कंपनी जो भी होगा वो सब बनाया गया एंड ये है एस्प्लानेड, देखिए भीड़ चेकआउट करे तो ये है आपका श्री लेदर्स, देखिए इतना भीड़ रहता है ना यहाँ पे, वो काम करने वाला का देखो माइक्रोफोन लगा के बैठा है भाई, माइक्रोफोन लगा के बैठा वहाँ पे। तो ये आपका मेंस कलेक्शन शूज का एंड दिस इज कैजुअल सेक्शन। तो यहाँ श्रीनगर से बाहर आ चुके हैं भाई, इतना भीड़ है ना वह नहीं सकेगा ज्यादा वीडियो में, पर बाहर आते एक चश्मा तो खरीद लिया दीदी ने, खरीद भी ले दिया। सो राइट नाउ वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं हॉग मार्केट। तो ये है हॉग मार्केट, आपका अंदर है दूसरा, इसका दूसरा ही दुनिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड मिलेगा आपको ये सब। तो यहाँ घूमते घूमते थक गए एंड लाइक अभी ड्रिंक्स अनार का जूस खाने पीने के लिए आए एंड दिस इज द गॉगल्स राइट, सनग्लासेस दी ने खरीद लिया, दी को धन्यवाद बहुत। तो यहाँ फ्रेश बन रहा है आपका जूस, क्या
और ये आ गया पोमेग्रेनेट। सो सर ये खाते हैं, ट्राई करते हैं। फ्रेश, आई ऑलवेज से लास्ट टाइम भी बोला था जितना हो सके आप लोग नेचुरल पीने का कोशिश करने का। तो फाइनली हॉस्टल में आ चुके हैं एंड लाइक दीदी को छोड़ भी दिया गेस्ट हाउस में एंड ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया, बहुत थक गए ट्रैवल करते, सीधा घूमने चले गए थे तो इसकी वजह से। एंड अब थोड़ा सा एडिटिंग काम है वगैरह वो करेंगे एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ अभी भी डेकोरेशन चल रहा है हॉस्टल में, ब्लॉग डे एज आई सेड। तो यहाँ सेम ओल्ड मासी डिनर के लिए आ गए हैं, यहाँ दीदी को भी लाने चखाने के लिए कैसा होता है। सो यही सेम व्यू। सो अभी के बज रहे 10:30, थोड़ा मेरा काम था वो भी खत्म हो गया एंड जब रूम में आया तो आई रिसीव दिस इनविटेशन लेटर फ्रॉम जूनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक्चुअली हर साल यहाँ फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज होता है एंड सीनियर लोग को इनविटेशन दिया जाता है। सो मुझे भी मिल गया, आई एम लकी, बट आई कैनॉट अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आई एम रिटर्निंग होम। पर सब जूनियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को विश यू अ सक्सेसफुल फ्रेशर्स एंड होप यू ऑल इन्जॉय। एंड सो अभी के लिए समाप्त करते हैं ब्लॉग एंड मिलेंगे आप सबको दूसरे ब्लॉग में।